हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए आपके लिए ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सोलर वॉल लैंप, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग अभी चल रहा है। देख सकते हैं सोलर वॉल लैंप कुछ इस तरह का दिखता है और कुछ इस तरह आप इसको अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। देखने में काफी प्रीमियम लगता है और सोलर से चलता है तो इसमें बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग और देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पेपर मैनुअल मिलता है, उसके बाद स्क्रूज, और उसके बाद मिलता है यह प्रीमियम सोलर वॉल लाइट, जो कि बहुत प्रीमियम है। देख सकते हैं दिखने में प्रीमियम है बहुत ही। बाकी मेरे को इसका प्लास्टिक कुछ ज्यादा खास देखने को नहीं मिला है, और ये एक यहाँ पर इन्होंने सेंटर में सेंसर दे रखा है, जिसको अभी वीडियो के अंत में अपन खोल के जरूर देखेंगे। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिए ताकि हम इसको पूरा आपको अच्छे से बता पाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कैसे क्या इसमें लाइट चलती है। मैंने दो तीन बार पहले ट्राई करा है क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे चलाना है। उसके बाद एक दो बार बटन दबाने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि जब ये लाइट आपकी कवर होती है, सोलर पैनल जब कवर होता है तभी लाइट ऑटोमेटिकली जल जाती है। तो अगर आप इसे घर के बाहर लगा देते हैं तो जैसे ही धूप पड़ेगी ये बंद हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली जब आप धूप कम होगी या रात हो जाएगी तब ये ऑटोमेटिकली बल्ब जल जाएगा। सोलर वॉल लैंप के बारे में अगर रिसर्च करा जाए तो लगभग सारे लैंप इसी तरह से काम करते हैं, और उनमें सेंसर्स की वजह से यह ऐसा होता है। चलिए दोस्तों हम अब देखते हैं कि इसको अंधेरे में ले जाने के बाद ये किस तरह से लाइट कैसी आप दिखाई देती है, ताकि अगर आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि कैसा प्रोडक्ट है। चलिए दोस्तों चलते हैं अंधेरे की ओर। ये आ चुके हैं हम अंधेरे में और अब जलाते हैं हम इस लाइट को। आप देख सकते हैं अंधेरा है, मेरे हाथ भी दिखाई दे रहे हैं आपको अंधेरे में। देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक बढ़िया रोशनी इसमें से निकल रही है और काफ़ी अच्छी लाइट दिखाई दे रही है। इसमें तीन मोड आपको यहाँ दे रखे हैं, एक नॉर्मल मोड है और एक अच्छा हाई ब्राइटनेस वाला और एक मीडियम दे रखा है। दोनों तीनों मोड इसमें दे रखे हैं। एक मोशन डिटेक्टर वाला है, अगर कोई एक नॉर्मली बंद रहती है और जब आप कोई अगर आस पास से गुजरते हैं या कुछ होता है तो ऑटोमेटिकली लाइट जल जाएगी। ये फीचर्स इसमें देखने को मिला काफ़ी अच्छा है। चलिए इस तरह से आप इसको घर के बाहर या जब लगाएंगे तब इसको सूरज की ओर आपको रखना पड़ेगा, तभी ये चार्ज होगी। नहीं तो अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में अगर सूरज के लगाते हैं तो ये चार्ज नहीं होगी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम इसको खोल कर क्या क्या इसमें देखने को मिला है। और अगर आप वीडियो के यहाँ तक आ चुके हैं तो सभी से निवेदन रहेगा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, अपना भाईचारा बढ़ाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देख सकते हैं दोस्तों अगर इस वॉल लैंप को हमने जो खोला है, सोलर वॉल लैंप को जो खोला है, इसके अंदर एक बल्ब, एक बैटरी और एक छोटा सा सर्किट देखने को मिला है। और सर्किट के अंदर आप देख सकते हैं कि एक सेंसर और एक बटन देखने को मिला है, एक बल्ब दे रखा है और एक सिंपल बैटरी दे रखी है। तो जब भी मोशन डिटेक्टर वगैरह जो है ये इसी सेंसर के अंदर है, और इस सेंसर को भी हम खोल के देख लेते हैं कि क्या है। देख सकते हैं सेंसर के अंदर एक कैमरे जैसा कुछ दिखाई दे रहा है हमें, जो कि सेंसर का काम कर रहा है। बंद चालू होने का जो मोशन वाला सिस्टम है वो इसी से शायद वर्क कर रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक आप सभी भाइयों ने पूरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लाते रहेंगे ऐसे ही अनबॉक्सिंग वीडियो और कुछ अतरंगी वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।